मारुति सुजुकी की डिजायर जो है उसकी तीन जनरेशन हमने ऑलरेडी देख रखी है। तीसरी जनरेशन जो कि हाल फिलहाल में आपको मिल रही है मार्केट के अंदर वो है, और उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन जो आने वाली है उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। पूरी बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ चेंज होने वाला है, तो आखिर कब लॉन्च होगी, क्या प्राइस होगी, क्या फीचर्स लेके आएगी, उन सब के बारे में डिटेल में बात करते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। मारुति सुजुकी अपनी डिजायर को लॉन्च कब करेगी, कौन से प्राइस पॉइंट्स पे कौन से प्राइस पॉइंट पे लॉन्च करेगी, कितने फीचर्स को प्रोवाइड करेगी, क्या इंजन ऑप्शंस आपके साथ में अवेलेबल रहेंगे, अगर सीएनजी के साथ में आती है तो क्या सिनेरियोस उसके होंगे, उन सब के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो उसके पहले भी एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, सीएनजी के ऊपर अभी कोई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है, तो मोस्टली पेट्रोल की बात करने वाले इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात करें फीचर्स के बारे में, गाड़ी के साथ में ओवरऑल आपको फीचर्स कितने देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल अगर बात करें तो शुरुआत करें एक्सटीरियर से, मतलब कि डिज़ाइन की बात करें, मैंने अभी अभी बोला कि पूरा स्ट्रक्चर चेंज है। एक्सटीरियर की डिज़ाइन के फीचर्स की बात करें तो आपको LED DRL जो है वो नए शेप के अंदर देखने को मिलेगी, वो शायद आप इस वीडियो के अंदर कोई भी जो फोटोग्राफ की फुटेज होगी उसके जरिए देख पा रहे होंगे। बाकी जो DRL है वो नई आ चुकी है अभी, और लो बीम हाई बीम के साथ में जो है वॉल्वो की S60 S90 वाली जो DRL आती है, जिसको हम बोल रहे थे आप बोल सकते हो थेनोस वाली या फिर थॉर वाली, वो वाली मतलब उसके जो हैमर होते हैं उस हिसाब से इंस्पायर्ड, तो वैसी काइंड ऑफ थिंग मैं बोल रहा हूँ, शायद आप अभी नहीं समझ पाओगे लेकिन वो चीज़ें होने वाली है। गाड़ी के साथ में एडास आने वाला है लेकिन अभी नहीं होगा ये, मतलब क्या है, मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि जब गाड़ी लॉन्च होगी उसके कुछ टाइम बाद CNG के साथ में भी आएगी, तो जब CNG के साथ में आएगी उस वक्त इसके साथ में Level 2 का एडास प्रोवाइड किया जाएगा, फिलहाल के लिए तो नहीं है, तो बाकी अभी देखते हैं। अगर आ भी जाता है तो अच्छी चीज़ होगी वो। बाकी अभी तक फ्रंट की बात कर रहे थे, नया बम्पर होगा, नई हेडलैम्प्स होंगी, पूरा सेटअप हेडलैम्प्स का नया है, इनफैक्ट फ्रंट की ग्रिल भी चेंज है। मेरे को तो अभी भी वो डाउट है कि कहीं इन लोगों ने चैसी वगैरह चेंज ना कर दिया हो, प्लेटफॉर्म वगैरह, जस्ट बिकॉज ऑफ दी सेफ्टी पर्पस, हो सकता है वो लोग बिल्ड क्वालिटी के लिए चेंज कर रहे हो, नया प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं। बाकी इंटीरियर के अंदर बात करें, रियर के अंदर आपको टेल लैंप्स LED के शेप के अंदर देखने को मिल जाएंगे, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा देखने को मिल जाएगा, लेन की असिस्ट वगैरह मैंने ऑलरेडी बता दिया एडास के बारे में। इंटीरियर के अंदर बात करें, सिंगल पेन सनरूफ आपको गाड़ी के साथ में देखने को मिलेगा, वो आपने ऑलरेडी वीडियो के शुरुआत में ही स्टार्टिंग में ही वो फोटो देख ली है, तो वो क्लियर इमेज है गाड़ी का जो कि स्पाइड हुई है टेस्टिंग के दौरान, ये चीज है। अंदर इंटीरियर के अंदर भी बहुत सारे लेदर, लेकिन उसके पहले कुछ और आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बात कर ले तो इंटीरियर के अंदर आपको भर भर के लेदर का इस्तेमाल हुआ देखने को मिल जाएगा, गियर नॉब जो होगा ऑटोमेटिक के अंदर वो भी लेदर से सना हुआ होगा। गाड़ी के साथ में ड्यूअल टोन कलर के साथ में इंटीरियर अवेलेबल कराया जाएगा, रियर एसी वेंट्स कंट्रोलर के साथ में होंगे, ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल फ्रंट के अंदर देखने को मिल जाएगा, फ्रंट की दोनों सीट्स आपको वेंटिलेटेड फंक्शन के साथ में देखने को मिलेगी, फ्रंट की ड्राइवर सीट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको देखने को मिल जाएगी, क्रूज कंट्रोल अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आएगा लिमिटर के साथ में, तो ऐसी इंटरेस्टिंग जो चीज़ें हैं वो भी गाड़ी के साथ में आपको देखने को मिलने वाली है। और आगे बढ़ते अभी और बात करें लॉन्च और प्राइस के बारे में कि गाड़ी लॉन्च कब होगी और कितनी प्राइस रेंज के अंदर लॉन्च होगी। सबसे पहले लॉन्च डेट की बात करें तो अभी तो एक्सपेक्टेड है, आप मतलब बिल्कुल 2024 के नवंबर के मिड नवंबर के अराउंड एक्सपेक्ट कर सकते हो, 20th नवंबर मोस्ट प्रोबेबली यही होने वाली है, दिसंबर स्टार्ट नहीं होगा, दिसंबर अगर स्टार्ट होता है तो फिर वो लोग पोस्टपोन करके आगे ही करेंगे लॉन्च को, ना कि मतलब जल्दी कर देंगे, तो मोस्टली ऐसा ही है कि नवंबर के एंड के अराउंड या फिर नवंबर के एंड तक वो चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा फोटोग्राफ्स, मैं अभी जो DRL की बात कर रहा था उसके फोटोग्राफ्स, लो बीम हाई बीम सब कुछ के, बाकी तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है लॉन्च के बारे में। रही बात प्राइसिंग की, तो 7 लाख से शुरुआत होगी गाड़ी की, 7 लाख से शुरुआत होके कहाँ तक जाती है वो कोई कंफर्म नहीं है अभी, तो 7.00 लाख एक शोरूम से शुरुआत होगी, उसके बाद आप लगा लो जितने भी मतलब वेरिएंट वगैरह आते हैं उसके अकॉर्डिंग LXi होगा, LXi ऑप्शनल भी होगा, VXi होगा, VXi ऑप्शनल होगा, ZXi होगा और ZXi ऑप्शनल होगा, इनफैक्ट मतलब कि वही ZXi प्लस होगा, उसके अंदर अगर कुछ वेरिएंट वो लोग लाते हैं तो अलग बात है,
बाकी अभी तक मतलब अभी से कोई क्लियर आउट नहीं होता रिपोर्ट्स के अंदर कि वेरिएंट क्या होंगे, क्योंकि वो ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है, वो सबसे आखिर में वेरिएंट को डिफाइन करता है, तो वो चीजें कभी भी लीक होने के चांसेस जो है वो 50% से भी कम होते हैं। और लास्ट में बात करें इंजन और गेयरबॉक्स ऑप्शंस के बारे में, जो कि बहुत कम लोग होंगे जो यहाँ तक वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि उन लोगों को जानना होगा इंजन क्या रहेगा, सीएनजी के साथ में आएगी या नहीं, उन सब के बारे में जानने के लिए आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो। तो मैं आपको बता दूं 1.2 लीटर जो है के सीरीज वाला इंजन जो है गाड़ी के साथ में 3 सिलेंडर के साथ में देखने को मिल जाएगा। पेट्रोल के साथ में भी आएगी, सीएनजी के साथ में भी आएगी। सीएनजी के साथ में भी सेम इंजन होगा 1.2 के सीरीज वाला, उसके साथ में भी 3 सिलेंडर होंगे, और जो सीएनजी होगा उसके साथ में आपको पावर और टॉर्क थोड़े से हल्का सा कम देखने को मिल जाएगा एज कम्पेयर टू दी रेगुलर पेट्रोल। तो ये मतलब कंपैरिजन के तौर पे थोड़ा सा चेंज होने वाला है एज कम्पेयर टू दी रेगुलर पेट्रोल वर्जन। तो ये चीजें रही बात गेयरबॉक्स ऑप्शंस की, तो 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और 5 स्पीड का AMT गेयरबॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा। हमें शिकायत हुआ करती है ब्रेजा के साथ में कि इसको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन कर देना चाहिए XL6 को, ब्रेजा को, या फिर बोल लो अर्टिगा को, क्योंकि वहाँ पे सख्त ज़रूरत है। 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ में अगर आप 5 स्पीड मैनुअल देते हो तो फिर वो जस्टिफाई शायद नहीं करता गाड़ी की पावर को। तो इस हिसाब से मतलब यहाँ पे ऐसी कोई कंप्लेन नहीं होगी। 1.2 है तो चलता है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 1.5 के साथ में प्लीज मारुति सुजुकी रिक्वेस्ट है आपसे 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दे दो। ब्रेजा से और भी ज्यादा अच्छा माइलेज लोग निकाल सकते हैं, इंडिया के लोगों के पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, शायद मारुति को ये नहीं पता होगा। बाकी तो खैर इसके बारे में हम बात कर रहे थे इंजन और गेयरबॉक्स ऑप्शंस के बारे में, ओवरऑल इतनी चीजें है। और एक चीज सीएनजी के साथ में माइलेज कितनी देगी वो एक कंसर्न रहता है लोगों का, अगर आ जाती है सीएम मतलब डेफिनेटली आएगी वो तो पक्का है, लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो सीएनजी के साथ में जब ये आएगी तो 1.2 पेट्रोल मैनुअल के साथ में सीएनजी के साथ में ये गाड़ी जो है आपको 28 तक का माइलेज प्रोवाइड करेगी। अब यहाँ उसके पीछे क्या रीजंस होंगे, मतलब अच्छा माइलेज देने के पीछे क्या रीजंस होंगे वो किसी को नहीं पता, वो गाड़ी के लॉन्च होने के बाद पता चल सकता है, अगर उन लोगों ने लाइट वेट किया हो गाड़ी को या फिर प्लेटफॉर्म चेंज किया हो तो भी हो सकता है, थोड़े बहुत फाइबर के पार्ट्स को स्टील के पार्ट को कट करके मतलब कि कॉस्ट कटिंग के तौर पे उसको प्लास्टिक वगैरह यूज करके भी किया जा सकता है, लेकिन वो साइड की चीज है। मैं नहीं बोल रहा कि ये सारी चीजें होगी, मैं आपको सिनारियो समझा रहा हूँ कि ये सारे में से बहुत सारे रीजंस में से कोई भी रीजन हो सकते हैं, बाकी फिलहाल हमें कुछ नहीं पता तो हम कमेंट नहीं कर सकते और करनी भी नहीं चाहिए। बाकी अभी देखते हैं गाड़ी लॉन्च जब होगी तब क्या चीजें लेकर आती है, और उम्मीद रखते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ में आएगी और जो मारुति अपनी इमेज बना के बैठी है उसको सुधारने की कोशिश की शुरुआत करेगी मारुति डिज़ायर से। तो ये सारी चीज़ें हैं ओवरऑल इस वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाओ, और मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, ड्राइव सेफ, सीट बेल्ट पहन के चलो, अगर आप ऑटो एंथुजियास्ट हो तो अभी से सब्सक्राइब जरूर करके जाना।